नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे मिशन 2024 पर। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, एक साल से भी कम का समय बचा है। उसी कड़ी में बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी जो कवायद है वो तेज कर दी है। इसी कड़ी में इसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। आज से पूरे देश में बीजेपी के कार्यक्रम का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री इस दौरान जो भी बीजेपी की 9 सालों की जो उपलब्धियां है वो गिनाएंगे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सुबह 11 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। वहीं मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का इस दौरान बखान किया जाएगा। अब मिशन 2024 पर बीजेपी की निगाहें हैं। कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री आज मोदी सरकार के जो काम है उनका बखान करेंगे, उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से पूरे देश भर में बीजेपी के खास कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यों की राजधानी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाएंगे। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस सफर में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं इसको बताने की जिम्मेदारी अब केंद्रीय मंत्रियों के हाथों में दे दी गई है। सोमवार यानी आज 29 मई को देश भर में एक साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रदेश की सभी राजधानियों में मौजूद रहेंगे। जहां जहां बीजेपी सरकार है उस राज्य के सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ केंद्रीय सरकार के मंत्री प्रेस को संबोधित करेंगे। इस दौरान 9 सालों में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों पर आधारित प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। जल्द से जल्द आपको बता देते हैं कौन से प्रमुख नेता किन शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अनुराग ठाकुर को अहमदाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी लेखी बैंगलोर में, हरदीप पुरी लखनऊ में, अश्विनी वैष्णव गुवाहाटी में, क्योंकि आज असम को उसकी पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। उस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले से ही गुवाहाटी में मौजूद है, तो वो गुवाहाटी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही भूपेंद्र यादव भोपाल में, अर्जुन राम मेघवाल हैदराबाद में, जितेंद्र सिंह चेन्नई में, गजेंद्र सिंह पटना में, साथ ही मनसुख मांडविया कोलकाता में, स्मृति ईरानी रोहतक में और पीयूष गोयल जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं 9 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मेगा प्रचार प्रसार की भी योजना बनाई है। 30 मई यानी कल से बीजेपी एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका नाम उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान रखा है। कल से यानी 30 मई से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी और यह अभियान पूरे 1 महीने तक चलाया जाएगा और 30 जून को समाप्त होगा। इस पूरे 1 महीने के दरमियान जो है बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो जगह जगह बीजेपी शासित राज्यों में जाकर बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनके साथ संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे, बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी के कामों की, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे वो राज्य की योजना हो, उनका बखान करेंगे, योजनाएं बताएंगे। इसमें केंद्र सरकार के कामकाज और 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को राजस्थान के अजमेर में होने वाली रैली से की जाएगी। साथ ही संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। 31 मई से 23 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान में पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 51 बड़ी जनसभाएं करने की योजना तैयार की है, जिसमें पीएम मोदी करीब 8 सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद स्मृति ईरानी और केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ अन्य नेता भी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने भी व्यापक कैंपेनिंग की योजना बनाई है। साथ ही बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है कल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया संसद भवन है उसे देशवासियों को समर्पित किया। अब लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी संगठन सब सतर्क हो गए हैं। आज से देश के राज्यों की राजधानियों में सरकार के दिग्गज केंद्रीय मंत्री जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। बीजेपी 30 मई से 30 जून तक विशेष महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत बीजेपी जनता से संपर्क करके इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम करेगी। उधर विपक्ष ने भी अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। 12 जून को पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मोदी सरकार के विरोधी दल मीटिंग करने जा रहे हैं, इसकी खबर पक्की हो चुकी है। इस मीटिंग में पटना में जो मीटिंग आयोजित होगी नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। तमाम विपक्षी दलों के नेता इस मीटिंग के लिए मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के संग केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 9 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया है और उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं उसे पूरे जोर शोर के साथ पेश करेंगे। कहीं ना कहीं अपना रिपोर्ट कार्ड एक तरह से जनता के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही राज्य के मीडिया से दोस्ताना बातचीत भी करेंगे। इस काम के लिए मोदी सरकार ने 12 मंत्रियों को काबिल माना और यह जिम्मेदारी सौंप दी है। हर मंत्री को एक एक राजधानी का जिम्मा सौंपा गया है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई यानी कल जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ अहम और महत्वपूर्ण बैठक की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंथन भी किया था। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, नागालैंड के सीएम यंगथुंगो पैटन, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा भी मौजूद रहे थे। तो देश भर में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान की जो तैयारी है वो तेज कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी हिमांशी गुप्ता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हिमांशी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन देशवासियों को समर्पित किया, उसके बाद लगातार हमने देखा कि जो बैठकों का सिलसिला है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की, कई कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से तमाम जो राज्य हैं जिनमें पहले से बीजेपी की सरकार है वहां किस तरह से उसी चीज को लोगों को साधा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान भी शुरू करने वाली है 30 मई से, जो एक महीने चलेगा। साथ ही आज बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और 9 साल की जो उपलब्धियां थी मोदी सरकार की उसका बखान करेंगे। बिल्कुल रिया, जिस तरह हमने देखा कि कल यानी कि 28 मई को जिस तरह से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, यानी कि लोकतंत्र को एक नया मंदिर मिला, ये बेहद बहुत ही एक अच्छी पहल थी, देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, एक बहुत ही बड़ी सौगात मिली है। यहाँ नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब अगर बात किया जाए मिशन 2024 का रिया, तो मिशन 2024 जिस तरह के लोकसभा चुनाव के लिए अब पूरे एक साल भी नहीं बचे हैं, देखा जाए तो कुछ महीने ही बचे हैं, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद अब बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में अभी आपने बताया कि बीजेपी लगातार बीजेपी के बैठकों का दौर जो है शुरू हो चुका है।
और कारण यही है कि इस बार किसी भी तरह की कमियां कोई चूक ना हो, हर तरह से जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। और ये जो महाअभियान, जो महाजनसंपर्क अभियान जारी होने वाला है, इस पर पीएम मोदी की जो मंशा है वो यही है कि दरवाजे, हर घर दरवाजे तक, हर दरवाजे तक पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को हर दरवाजे तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचकर जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा और जनता को, उन जनता को, वो जनता को जिनको प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर उन्हें अभी योजनाओं का पता नहीं है, उनको योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा। इसके साथ ही पूरी यानी कि देश भर में तमाम रैलियां, तमाम जगहों पर दौरे कर जनता को साधने की भी कोशिश की जाएगी और लगातार इसी तरह की रणनीतियों का 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें भी तमाम जैसे कि डिप्टी सीएम हो गए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो है कद्दावर नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी। और जो आगामी 30 मई यानी कि कल से और कल से 30 जून तक एक महीने का जो कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर तमाम बातचीत की जाएगी, जनता को किस तरह से साधा जाए, तमाम इन बातों का ध्यान रखते हुए बैठकें जो है, ये जो सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिया, बिल्कुल हिमांशी, जिस तरह से आपने भी अभी कहा कि कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि हमने देखा था कर्नाटका चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे कर्नाटका चुनाव में, क्योंकि बेंगलुरु में कई रैलियां की उन्होंने, मेगा रोड शोज किए। साथ ही सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बीजेपी के जितने बड़े नेता है सब ने कर्नाटका पे फोकस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे थे, महा मेगा रोड शोज किए थे, उसके बाद भी कर्नाटका में जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा, हार का सामना करना पड़ा, उससे पहले हिमाचल प्रदेश भी गवाया बीजेपी ने और दोनों ही जगह कर्नाटका में भी और हिमाचल में भी उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी को जो झटका लगा है, साथ ही कांग्रेस का जिस तरह से मनोबल बढ़ना, इसी को देखते हुए जिस तरह से आपने कहा कि कोई चूक ना हो, इसी की कड़ी में, इसी की तैयारी में बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का सिलसिला जारी है, कभी बीजेपी शासित जो भी मुख्यमंत्री है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से जो 2024 को कैसे साधना है, कैसे लोकसभा सीट जो है उन पर दबदबा बना रहे, जो जिन सीटों पर बीजेपी पहले से मजबूत है उन्हें और मजबूती कैसे दी जाए और जिन सीटों पर बीजेपी थोड़ी मजबूत नहीं है, वीक है, कमजोर है, उन पर कैसे एक मजबूती हासिल की जाए, उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कल जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, चर्चा की, उन्हें रणनीति बताई, 2024 का जो एक मूल मंत्र है वो दिया और आगे भी हम देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, अपने आप में बेहद अहम अभियान, क्योंकि बीजेपी की जो मोदी सरकार है उसने अपने 9 साल पूरे कर दिए हैं। वहीं इस दौरान हमने देखा कि बीजेपी ने जहां इस बात को आगे रखा था कि आज का दिन समर्पित होगा उन 9 सालों के दौरान बीजेपी ने या मोदी सरकार के दौरान जो भी योजनाएं आई हैं, गरीबों से लेकर श्रमिकों तक के लिए जो भी योजनाएं, जो भी नीतियां मोदी सरकार लेकर आई है, उनका आज बीजेपी के सभी केंद्र मंत्री जो है साझा एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका बखान करेंगे, लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाएंगे, जो भी काम किया है, जो भी मोदी सरकार का इन 9 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के बीच आज पेश किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज का दिन आगे की जो रणनीति है वो तय करेगा कि किस तरह से जो बीजेपी है, ताकि 2024 में फिर से जीत हासिल हो, 2024 में फिर से अब की बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ भगवा रंग कमल फिर से खिले, इसको देखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी। कितना अहम इसको देखते हुए आज का दिन ये है हिमांशी।
बिल्कुल, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि देश भर में जितने भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं, जितने भी सीएम हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हम कद्दावर नेताओं की अगर बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को साधने की जो कोशिश है वो लगातार उनकी जारी है। इसलिए आज का जो दिन है वो बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरह आपने भी बताया रिया की कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जो हार मिली है, यानी कि तमाम रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम रैलियां, इस दौरान कर्नाटक में उनका दौरा भी था, कर्नाटक के चुनाव से पहले कर्नाटक में उन्होंने रैलियां की, जनता से को संबोधित किया, तमाम चीजें होने के बावजूद ही कर्नाटक से जो हार मिली है, हिमाचल प्रदेश से जो हार मिली है, जो कि एक समय था जब वो भाजपा शासित हुआ करता था, लेकिन आज के दौर पर चुनाव में जो हार मिली है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से, तो वो उससे एक बड़ी सबक मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और यही भारतीय जनता पार्टी का कहना कि आखिर ऐसी कौन सी चूक रह गई कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा, और अब वो जो है वो जो चूक कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में रह गई थी, अब वो चूक दोबारा ना हो, वो कमियां दोबारा ना हो, इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी पर है भारतीय जनता पार्टी। और अभी से ही लगातार अभियान, महाअभियान, जैसा कि कल से शुरुआत होने वाला है महाअभियान का, एक महीने तक जनसंपर्क महाअभियान चलेगा। इस दौरान जनता से बातचीत की जाएगी, जनता तक मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक गिनाया जाएगा। और आज बिल्कुल जिस तरह से 9 साल मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं उसको देखते हुए आज का दिन इस चीज को समर्पित किया गया है कि मोदी सरकार के जो 9 साल के दौरान जो भी काम हुआ, जो भी नीतियां आई, जो भी पॉलिसीज आई, जनता के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई, उसको लेकर आज उसका बखान होगा, जनता को बताई जाएंगी वो 9 साल की उपलब्धियां। सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगर जो राज्य बीजेपी शासित है वहां उनके मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में जो केंद्र मंत्री है वो उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये जो 9 साल का जो भी कामकाज है, जो भी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, जो गरीबों के लिए चलाई गई, लाभार्थी जिनको इनका लाभ हुआ, उनकी एक तरह से इस चीज का बखान किया जाएगा। वहीं जहां बीजेपी अपने 9 साल के काम को जनता के सामने आज पेश करेगी, हमने देखा था जब से बीजेपी ने मुहिम छेड़ी थी कि आज का दिन वो इसी काम को समर्पित करेगी, और सभी केंद्रीय मंत्री बीजेपी के 9 साल के काम को गिनाएंगे, जनता के बीच लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस ने 9 सवाल बीजेपी से पूछे हैं इसी चीज को घेरते हुए। कांग्रेस ने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो चीन को क्लीन चिट देने का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना काल के दौरान जो लोग मारे गए उनको मुआवजा देने का मुद्दा हो, इन तमाम 9 मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। हिमांशु, बिल्कुल रिया, लेकिन हमने देखा होगा अक्सर जब चुनावी समय आता है तो ये जो निशाना साधना, हमला करना, पक्ष विपक्ष पर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये जो दौर है, ये जो सिलसिला चुनावी समय पर शुरू हो जाता है। और हालांकि महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम जो मुद्दे हैं इसको जनता भी उठाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी को लेकर अभी लगातार जो युवा हैं, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात की जाए, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और इसके लिए कांग्रेस भी, यानी कि विपक्षी पार्टी भी लगातार जो है अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है, लगातार कांग्रेस की तरफ से भी बैठकें की जा रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव किसके पक्ष में आता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाल ही की अगर बात करें तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, अपनी चुनावी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें रिया, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो,
कोई भी चुनाव हो पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरती है। बिल्कुल हिमांशु, ये हमने भी देखा था कि चाहे बीजेपी के लिए अगर बात करें, कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा चुनाव हो, जैसा हमने उत्तर प्रदेश में देखी बीजेपी की परफॉर्मेंस, निकाय चुनाव की बात थी, बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार है उसकी कमान अपने हाथ में संभाली। चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। स्टार प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं और जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, रोड शोज करते हैं और जनता को साधने की कोशिश करते हैं। हिमांशी, अगर बात करी जाए 2024 की, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल रिया, जिस तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से उनकी ओर से रैली और इस बीच जो ये महाजनसंपर्क अभियान होने वाला है, इस बीच भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा दिन होगा इस पूरे एक महीने में जहां जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ 10 लाख लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखा जाए कि लगातार जहां विपक्ष निशाना साध रहा है, जहां विपक्ष हमला कर रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फेस फैक्टर्स है वो भी काम आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, इनकी जो छवि है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं जब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले हम, अगर तो हमने देखा कि निकाय चुनाव में किस तरह से उन्होंने लगातार रैलियां की, लगातार जनता तक पहुंचने की कोशिश की और उसका जो रिजल्ट है वो देखने वाली बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आया। वही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार एक ही बात कह रही थी कि विपक्ष को जो है रैलियां करने की जरूरत नहीं है, जनता को साधने की कोशिश नहीं की गई, जनता तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसी बातें कही जा रही थी और उसका जो सबक मिला है वो भी दिख रहा है कि कहीं पे भी लगातार हर जगह से जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। लेकिन और वही चीज जो है लोकसभा चुनाव में, हालांकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जोरों शोरों से तैयारियों पर जुटी हुई है, कहीं ना कहीं वो फेस फैक्टर्स और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये तमाम रैलियां हैं काम आ सकती हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव में जो है किसकी जीत होती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और जिस तरह से जो निकाय चुनाव में जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, वो एक बेहद ऊर्जा उससे प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशी, फेस फैक्टर बहुत बड़ा अपने आप में एक बात है, क्योंकि हमने देखा था 2014 में जब सत्ता पलट हुआ था, बीजेपी ने सत्ता संभाली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, बहुत एक जो बहुमत मिला था बीजेपी को, उसके पीछे का जो कारण था, जो एक पूर्ण बहुमत मिला था, मोदी वेव, मोदी लहर लोग नाम दे रहे थे, उसकी जो वजह थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस ही था। तो फेस फैक्टर अपने आप में बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर आप इसे कह सकती हैं। साथ ही 2014 में भी ये देखने को मिला और वही जादू जो मोदी वेव या मोदी लहर का जो जादू था, वही चीज 2019 में भी दोहराई गई, रिपीट हुई। उस वक्त पर 2014 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, लोकसभा चुनाव जीती थी, उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये मोदी लहर है, कई लहरें आती हैं और चले जाती हैं। लेकिन अगर आज हम इस चीज को देखें, आज इस चीज का एनालिसिस करें, तो वो सिर्फ एक लहर हम उसे एक पल के लिए नहीं बोल सकते, वो प्रधानमंत्री मोदी का तो मानिए एक दशक ही आ गया, 10 साल 9 साल आज उन्होंने पूरे कर लिए, उसी की उपलब्धियां गिनाते हुए जो 9 साल के दरमियान जो काम किया गया है, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी केंद्रीय मंत्री करेंगे। लेकिन जैसे हम फेस फैक्टर की बात कर रहे थे हिमांशी, की जो चेहरा होता है आपका प्रधानमंत्री फेस कौन है, आप किसको उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि भले ही हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी को एक तरह से विरोध करने के लिए जितने भी जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने देखा था जो नीतीश कुमार हैं,
बिहार के मुख्यमंत्री, वो लगातार तमाम विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी से मिल रहे हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हो, अभी वो ममता बनर्जी से मिले थे, फिर इससे पहले वो उद्धव ठाकरे से मिले थे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले थे। तो विपक्ष एकजुट होने की अरविंद केजरीवाल से मिले थे, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, विपक्ष चाहे एकजुट हो रहा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला देने के लिए, कंपटीशन देने के लिए, क्या विपक्ष के पास वो पीएम फेस है जो पीएम मोदी को कंपटीशन देने के लिए चाहिए? हिमांशी, बिल्कुल रिया, लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की एकता की, भले ही नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली है, कांग्रेस चाहती है कि अगर एकजुटता होती है तो जो अन्य पार्टी के लोग हैं जो एकजुट होने की कवायद में लगे हुए हैं, वो जो पार्टी के लोग हैं वो उनके लिए लड़े, कांग्रेस के लिए लड़े, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए एकता तो अभी भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकता की बात की जा रही है, और मैं याद दिला दूं 2019 में भी विपक्ष ने एकजुट होने की कोशिश की थी, लेकिन एक साझा निर्णय नहीं बन पाए, एक कॉमन पीएम फेस उम्मीदवार वो दे नहीं पाए थे। बस यही कारण है रिया, यही वजह है कि लगातार जो है एकजुटता की बात तो की जा रही है, लेकिन एकजुटता कहीं देखने को नहीं मिल रही है। अभी हाल ही की बात करें, संसद भवन के उद्घाटन की बात कर लें अगर, तो रिया हमने देखा कि पहले संसद भवन के उद्घाटन में कम से कम नहीं तो 20 से 21 जो है विपक्षी दल जो है वो उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने की बात कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से 5-6 दल ऐसे थे जो उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। वही इसी तरह अगर बात की तो यहाँ पर भी हमें एकजुटता तो नहीं दिखी, पहले बहिष्कार करते हैं तमाम विपक्षी दल और उसके बाद उसी हिमांशी कर्नाटका में जब शपथ ग्रहण चल रहा था उस वक्त भी हमने देखा कि तमाम विपक्षी दल के नेताओं को आमंत्रित किया था कांग्रेस ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं दिया था। ये भी एक चीज दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी से दूरियां बना रही है। बिल्कुल रिया, आप देख सकते हैं इसी से, चाहे वो संसद भवन का उद्घाटन हो, चाहे कर्नाटक का शपथ ग्रहण समारोह, इसी से हम देख सकते हैं कि एकजुटता जो है, जो एकता है जिसकी बात कर रही है विपक्ष, वो तो कहीं से नहीं दिख रही है, चाहे वो संसद भवन के उद्घाटन में हो, चाहे वो कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलवाना हो, ये सारी चीजें ही दिखा रही है कि एकजुटता जो है कहीं से दिख नहीं रही है। और जैसा कि आपने भी कहा कि 2019 में भी इनकी यही कोशिश रही है, लेकिन बावजूद उसके जो ये इनकी कामयाबी नहीं मिली थी एकजुटता को लेकर, अब देखना यही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार जो है एकता एकता की बात कर रहा है, विपक्ष एकता की बात कर रहा है, लेकिन अभी कहीं से एकजुटता जो है दिख नहीं रही है। हाल ही में देखना होगा कि 2024 तक क्या उनकी एकजुटता हो पाती है, एकता बन पाती है। लेकिन अभी की अगर बात करें, और आपको ये भी बता दे रिया कि ये जो लोकसभा चुनाव है इसी के लिए एकता की बात की जा रही है, 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष की तरफ से एकता की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी विपक्षी दल हो जुड़े उनके साथ वो उनके लिए लड़े, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल हिमांशी, जहां कांग्रेस का सपना है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाना, वहीं सवाल यही उठता है कि क्या जो अन्य विपक्षी दल है, चाहे वो उद्धव ठाकरे का गुट हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो, या फिर वो नीतीश कुमार का हो, क्या ये लोग कांग्रेस को अपना समर्थन दे पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के मन में भी पीएम फेस बनने का सपना है, साथ ही अरविंद केजरीवाल की अपनी अलग मनोकामना। बिल्कुल रिया, सोचने वाली बात यही है कि नीतीश कुमार भी पीएम फेस का उनका भी सपना है, चाहे हम सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले उनका भी सपना है, तो यही बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जब अलग अलग फेस का सपना, पीएम फेस का सपना है तमाम नेताओं का, तो फिर कैसे एकजुटता हो सकती है? अगर एकजुटता हो गई तो ये तो जितने भी तमाम फेस है ये तो इस पर दरकिनार हो जाएगा,
तो एकजुटता की बात जो है अभी यहीं पर थमी हुई है। जी बिल्कुल हिमांशी, जिस तरह से विपक्ष जो है वो भी 12 जून को बैठक करने वाला है पटना में, और मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक अहम बैठक विपक्ष करने वाला है, लेकिन सवाल यही उठता है क्या वो ये जो विपक्षी एकजुटता है कब तक बरकरार रहेगी और 2024 तक इसे साधने की कोशिश हो पाएगी या नहीं, वो तो देखने वाली बात है, वो समय बताएगा। लेकिन वहीं बीजेपी के केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसी को देखते हुए बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। साथ ही आज बीजेपी के सभी जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो भी 9 साल के दौरान काम हुआ है, सभी योजनाएं, सभी नीति, जो भी बीजेपी ने काम किया है वो जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देशभर और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीवी 100।